हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। बुधवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे और अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। तो कैसे किसानों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, देखिए ये रिपोर्ट। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अन्नदाता पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से डटे हुए हैं। वहीं अब किसानों ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन की घोषणा की है। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग की। मीटिंग में कई राज्यों के किसान शामिल हुए और उस मीटिंग में आंदोलन और किसानों की मांग को लेकर कुछ फैसले लिए गए, जिसके बाद एसकेएम के नेताओं ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है, उन्हें मजबूरन फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। एसकेएम ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक ज्ञापन सौंपेगा। बता दें कि उनकी मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल है। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रही मोदी सरकार की इससे सिरदर्दी बढ़ेगी। इससे पहले तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें बंद हुई तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब किसान संगठन एक बार फिर सरकार से टकराने के मूड में है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।